दोस्तों, जब भी कोई भविष्यवाणी होती है तो हमेशा उसे शंका की नज़र से देखा जाता है कि क्या ये भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं। जैसे एक महान एस्ट्रोलॉजिस्ट ने पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 2021 में सिडनास की जोड़ी टूट जाएगी, तब भी दोस्तों इस भविष्यवाणी को लेकर तरह तरह के कमेंट्स लोगों ने किए थे और ये तक भी कह डाला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उन्हीं महान एस्ट्रोलॉजिस्ट ने दोस्तों भविष्यवाणी की है एक बार फिर से और कहा है कि 2022 में शहनाज सलमान खान से शादी करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। अब इस भविष्यवाणी को लेकर भी लोग तरह तरह के सवाल और कमेंट्स करने लगे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहनाज इस समय सलमान खान कैंप में है और 2 से 3 प्रोजेक्ट सलमान खान के साथ कर भी रही हैं। सलमान खान ने तो एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम की प्रोडक्शन भी शहनाज को सौंप दी थी, जो 2 से 3 महीने पहले रिलीज भी हुआ था, और शहनाज के भाई शहबाज ने इस म्यूज़िक वीडियो एल्बम में परफॉर्मेंस भी दी थी, जो कि अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एड्रियानी भी थी इस म्यूज़िक वीडियो एल्बम में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिटिल स्टार की, जिसकी प्रोड्यूसर बनी थी शहनाज कौर गिल। आजकल आपको बता दें, सलमान शहनाज पर पूरी मेहरबान भी दिखाई पड़ रहे हैं। जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए तो दोस्तों आपको बता दें, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से सबसे पहला ट्वीट भी सलमान खान का आया और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि ये उम्र तो कोई जाने की नहीं थी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना था। इसके बाद आपको बता दें, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की झड़ी लग गई थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद दोस्तों सलमान शहनाज के साथ हर दुख सुख में डटकर खड़े रहे हैं। बिग बॉस 13 के दौरान भी सलमान ने हमेशा शहनाज की हौसला अफजाई की और जब भी किसी कंटेस्टेंट से शहनाज की लड़ाई हुई तो सलमान ने हमेशा शहनाज का साथ दिया। अब उस भविष्यवाणी के बाद तो दोस्तों इन बातों ने और भी तुल पकड़ लिया है कि सिडनास के बाद अब अगली जोड़ी सलनाज बनने वाली है और अब इस बात की पूरी संभावना व्यक्त भी की जा रही है कि शहनाज कौर गिल को सदमे से निकालने के लिए शुक्ला परिवार और शहनाज गिल का परिवार दोनों ही ये ऑप्शन भी शहनाज को दे रहे हैं कि तुम शादी कर लो, इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हें एक साथी मिल जाएगा जो 24 घंटे तुम्हारा पग पग पर साथ दे पाएगा। ये तो दोस्तों आने वाला वक्त पर ही पता चल पाएगा कि शहनाज क्या डिसीजंस लेंगी, शादी करेंगी या नहीं करेंगी, या सिड के यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी काटेंगी। ये उनका खुद का फैसला होगा और जो भी होगा फैंस को मंजूर हो। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से पहले भी इस महान एस्ट्रोलॉजिस्ट की भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है, उसी प्रकार एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो जाए। वहीं पिछली भविष्यवाणी शहनाज की ज़िंदगी में अपार दुख को लेकर आई थी, लेकिन ये भविष्यवाणी शहनाज गिल की ज़िंदगी में अपार खुशियां लेकर आएगी, अगर ये सच साबित होती है तो। भगवान करे दोस्तों ये भविष्यवाणी सच साबित हो और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बैचलर सलमान खान द सुपरस्टार हमारी प्यारी शहनाज का दुल्हा बने और हमारी शहनाज के घर बारात लेकर आए और शहनाज की डोली लेकर जाए और हमारी प्यारी राजदुलारी शहनाज कौर गिल के जीवन में फिर से अपार खुशियां आ जाए। क्या पता दोस्तों इस गहरे सदमे से निकलकर ऐसी खुशी का आना शायद शहनाज गिल के चेहरे पर वो खुशियां ले आए जो कि सिद्धार्थ के रहते हुए शहनाज के चेहरे पर होती थी। ऐसी कौन लड़की होगी जो बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान से शादी ना करना चाहे। चलो बाकी की बातें दोस्तों भविष्य पर ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये भविष्यवाणी भी सच साबित हो पाएगी या नहीं? जो भी आपके विचार हैं जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स और आपके सपोर्ट हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, और साथ वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा बॉलीवुड से जुड़ी, शहनाज से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर के लिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।